हेलो फ्रेंड्स, रेखाज किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी इमली की चटनी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। ये इमली का घोल है, 50 ग्राम के करीब मैंने इमली का पल्प निकाल करके घोल बना लिया है। और 1 चम्मच ऑयल है, 2 चम्मच चीनी, 25 ग्राम गुड़ है, और ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक है ये, और ये काला नमक 1/4 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये अदरक का टुकड़ा है, और ये सरसों के दाने हैं। तो चलिए मैं गैस को ऑन करती हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सरसों के दाने डालूँगी, मस्टर्ड सीड्स। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, साबुत जीरा। जब तड़कने लगेगा तो मैं इमली का ये घोल डाल दूँगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इमली का घोल डालूंगी इसमें। मैं इसे चलाऊंगी। उबाल आने पर फिर चुका है, अब मैं इसमें ये नमक डालूंगी, और ये काला नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, और ये अदरक के मैं ये टुकड़े डालूंगी। बाद में मैं इसे निकालूंगी, इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और ये गुड़ है, और ये चीनी। मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इमली की चटनी तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, इसके बिना तो इसको आप चाट के साथ, समोसे के साथ खा सकते, बिना उसके अच्छा ही नहीं रहेगा, चटनी के बिना। देखिए चटनी कितना सुंदर लग रहा है, अब ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी चटनी एकदम हो गई है अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसे ही होनी चाहिए। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। तो हमारा चटनी बन करके तैयार हो गया है। हलवाई लोग ऐसे ही चटनी बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।